अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले एनोनिमस की पब्लिक, आपको हम सुनाएंगे सस्ती शायरी। लेकिन जो रियल एनोनिमस की पब्लिक है वो जरा पहले ही लाइक बटन दबा दो। जो थोड़े थोड़े एनोनिमस की पब्लिक है वो सस्ती शायरी के लाइक मतलब बात लाइक बटन दबा देना। तो यहाँ हम कर रहे थे भैया को चली तौन तर रहे थे प्लेयर नंगू भैया। तो सस्ती शायरी में अर्ज किया है, बुढ़ापा छुपाने के लिए मेरी फुप्पो, मतलब हम सबकी फुप्पो, ये हम सबकी फुप्पो के लिए शायरी है। बुढ़ापा छुपाने के लिए हम सबके फुप्पो दब दब मेकअप लगा रही है। वाह 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 वाह। नहीं, दब दब थोड़ा अजीब हो गया, तो दोबारा से करेक्ट करेंगे अपनी सस्ती शायरी को। बुढ़ापा छुपाने के लिए हम सबकी फुप्पो ज्यादा मेकअप लगा रही है। वाह 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 वाह, मुझे नींद आ रही है। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। तो ये डायलॉग तो आपको इतना पसंद आया, मैं तो एक सच बात बता रहा होता हूँ, इस टाइम एडिटिंग करता हूँ, मुझे नींद आ रही है। और हर जगह कमेंट कर रहे हो, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद। अब इस डायलॉग को इतना फेमस कर दो ना कि जब अम्मी बोले बेटा दही ला दे, माँ मुझे नींद आ रही है, कोई भी काम हो ना मुझे नींद आ रही है, ठीक है स्क्वाड वाइप करने चले मुझे नींद आ रही है, इस डायलॉग को फेमस करना है अब आपने हमारे अनानिमस की पब्लिक। हम जा रहे थे पॉचिंग की यानी फिंडी। अरे फिंडी में आज स्क्वाड में ऐसा फड्डा हुआ ना, मजा आएगा आप लोगों को बहुत। तो मैं स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था कितनी टीम्स आ रही हैं। हल्की हल्की नींद आ रही है। अब आपने बोला था मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैंने बोला हल्की हल्की नींद आ रही है। प्रैंक हो गया ना, प्रैंक हो गया ना आपके साथ। यस यस यस। अनॉनिमस की पब्लिक, हमारे थे पचिंग की यानी पिंडी और लूट करना स्टार्ट की हमने। अब यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे आए हुए थे बाबा जी, अभी नींद आएगी ना फिर बोलूंगा मैं। और हमें यहाँ पे मिली मिनी 14 चीनी मोटीन, साथ में हमें मिली उजी, वो छोटी छुरी 56 छुरी। हाँ एक्सटेंडेड मैग वगैरह मिल गया था, अच्छी लूट हो गई थी हमारे पास। कमेंट करके बताओ मुझे क्या आ रही है। तो यहाँ पे हमारे उजी है, साथ में M16 है। और ये अब हमारे जो सामने कंपाउंड है इसमें थे बंद। ओहो सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, इसको एक ही बुलेट लगी वो भी इसके हाथ पे। अब ये इसके साथ मेरी शुरू होगी पीक फाइट, जब ये पीक दे रहा है मैं नहीं दे रहा, जब मैं पीक दे रहा हूँ ये नहीं दे रहा। और मजे की बात, दोनों के पास हेलमेट नहीं है। वाह वाह वाह, दोनों के पास हेलमेट नहीं है। इस विंडो से मुझे एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैं वापस इस विंडो में आया। मैं एम करके खड़ा हो गया, मैं कहा भाई दिखा जरा सर अपना। यस इसने दिखाया, मैंने इसको नॉक किया। अब इसका जो टीममेट था उसको मारी थी साइलेंट ने गोलियां, और उसकी हेल्थ भी थी लो, और वो था सामने वाली विंडो में, वो रहा। आहा सर जी, यहाँ पे लगा उसको उसी का हेडशॉट, एक आधा बॉडी शॉट भी लगा और ये बंदा डाउन हुआ। और अब जो साइलेंट वाला बंदा जो था उसको साइलेंट लूटने गया, इस वाले बंदे को मैं लूटने गया। अब यहाँ पे एक और स्क्वाड बचाएगा गाइस, और फिर से वही काम होगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मेरा भी दिल दुखता है यार। अभी मैं आपको बताता हूँ वो सीन क्या हुआ था। यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने लूट की, और इसके बाद अनॉनिमस की पब्लिक यहाँ पे थी अलग टीम। मुझे नींद आ रही है, उसको मैंने लो किया और मैं आगे की तरफ कर देता हूँ रश। अब मैं शेख के पास आके यहाँ पे सांप बन गया, स्नेक बन गया, क्या बन गया, एनाकोंडा बन गया। मैं स्मोक हुई भी थी, और एक बंदे को कर देता है साइलेंट, साइलेंट को एक बंदा डाउन कर देता है मार्वल फैजी। और यहाँ पे फिर मैं एम करके खड़ा हो जाता हूँ, ये बंदा ये बाहर ही आएंगे सही। एक को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया। गाइस देखो अब दो बंदे नॉक है ना, अब मुझे रश करना है ठीक है। इनका आखिरी बंदा बचा था और मैं कर रहा था उजी लेके रश। अब मुझे क्या, मैंने अपने टीममेट को बचाना है और आखिरी बंदे को मारना है। जैसे ही वो बंदा यहाँ से बाहर आता है मैंने उस पर कर दी फायरिंग, लेकिन ये भाई जो है वो जम कर रहे थे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो आपके दो नॉक थे, मैं भी रश करने जा रहा था, मैंने अपने टीममेट को बचाना था। तो इस टाइम पे आपके माइंड में कुछ नहीं होता, जब हमारी फाइट हो रही है ना आपसे रिक्वेस्ट है आप फाइट ले लो। अनॉनिमस की पब्लिक अगर आप मुझे मार दोगे ना यार दुख नहीं होगा ठीक है, लेकिन ऐसे जंप करके जब आप गलती से मर जाते हो और मैं गलती से मार देता हूँ तो आपको भी बुरा लगता है मुझे भी बुरा लगता है। तो प्लीज़ जब फाइट हो रही हो ना तो आप या मार दो या फाइट ले लो, मतलब मैं आपको मार दूंगा, दोनों दोनों में आप वीडियो में आ जाओगे या आप वीडियो बना लोगे। ऐसे जंप करोगे ना गैस एंड टाइम पे फाइट के दौरान, जब आपके नॉक हैं या जब मेरे नॉक हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप समझ सकते हो, जो रियल अनॉनिमस की पब्लिक है थोड़े से ब्रेन से सोचो तो यार आप समझ सकते हो मेरी बात। अनॉनिमस की पब्लिक यहाँ पे अब हमारे पास काफी अच्छी लूट थी, M24 वगैरह थी, बैरल थी फोर। मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ पे गैस फिर मैंने बूस्ट मारे और सामने जल्दी फ्लेयर जिसका नाम हमने रखा हुआ पिचकारी। और अभी अजानें हो रही है फजर की, तो मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग फिनिश करके बाबा जी फजर की नमाज पढ़ूंगा। आप लोग भी ट्राई करो यार नमाज कायम करो। तो ड्रॉप आ रहा था फ्लेयर, और यहाँ पे एक और, अब इस
ये गिम्पली इतना फनी हो गया था ना, मतलब इतना फनी हो गया था ना, बहुत फनी हो गया था। अब मैं यहाँ पे इस बंदे पे रश करने आया, पहले मैंने उसको लो किया था, और उसको यहाँ पे जब मेरी दो तीन बुलेट लगी, बैन भैया ने मैं काफी लो कर दिया था। और दूसरी वजह मैं इनके टीममेट को के ऊपर फायर लेने गया, तो ये लोग भी कर रहे थे रश। तब हमने भाई लोग को ये बोला, भाई लास्ट में मिलते हैं मीटअप लास्ट में, क्योंकि कोई और टीम आ जाए ना। गाइस देखो फ्लेयर थी, हम मीटअप कर रहे होते, कोई और टीम आ जाती तो बैन बज जाती, जैसे बॉट की टीम आ रही थी। देखो अगर आप मेरी लॉबी में आते ना गाइस, तो प्लीज़ सेफ चले जाया करो, एकदम जोन के बाहर सेफ खेलो, एंड में आके मीटअप कर लो, आप चिकन भी ले लो, मुझे कोई यार दुख नहीं होगा। लेकिन बीच में अगर हम मीटअप करेंगे ना, तो फिर टीम्स जो है ना वो मार देती हैं, तो आप भी मर जाओगे, आपका भी रैंक, मेरा भी रैंक गया, गेम प्ले भी नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। मुझे नींद आ रही है गाइस, मैं 5 बजे एडिट कर रहा हूँ उसको। अभी एक बंदा स्क्वाड हाउस अनोनिमस हाउस में गाड़ी लगा के हमारे स्टाइल में ऊपर जाके कैंप कर रहा है भाई। अब हम ऊपर कैसे चढ़े, इसने गाड़ी कर दी ब्लॉक। देखो भाई आप अनोनिमस हाउस में घुसे हो, अब यहाँ पे हमारे पास बड़ी ट्रिक्स हैं। हमने यहाँ पे एक स्मोक वॉल्स बनाने शुरू कर दिए। मैं साइलेंट को बोला, साइलेंट सर ज़रा गाड़ी लगाइए दरवाजे के साथ, इस भैया की जो है ना वो अकल इस्तेमाल जो उन्होंने की वो हम फेल करेंगे। तो साइलेंट सर को हमने बोला गाड़ी लगाने को दरवाजे के साथ, स्मोक करके मैं बाहर थोड़ा सा कवर दे रहा था कि वो अगर कहीं से मारे तो मैं उसको नॉक कर दूं, ये फिनिश होगा तो फिनिश कर दूं। जैसे ही साइलेंट ने लगाई गाड़ी, अब साइलेंट को मैंने बोला भाई मैं जाऊंगा क्योंकि कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड, तो मुझे आगे जाने दो। और साइलेंट ने ऊपर कर दिया नेट, जहाँ पे मैं जाके खड़ा होने वाला हूँ, मतलब सामने गैलरी में। तो मैं जंप वम्प किया, अटक रहा था, उसके बाद दरवाजे को ग्रिप की भाई बंदे ने, और हम जंप करके घुस गए। और उस बंदे को आइडिया नहीं हुआ कि हम आ चुके हैं भाई, हमने लगाई दुड़की, ऊपर बैरल हमारे पास है, दिखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। TF शानी 07 भैया को पता ही नहीं चला कि मैं कब ऊपर आया और हमने कब इनको मारा। फिर मजे से करेंगे इनकी लूट बाबा जी। और इसके लूट करने के बाद हम अपनी मेहरान गड्डी में आए थे ड्रॉप पे। अब ड्रॉप पे मुझे चाहिए था लेवल 3, और आप राइट पे देख रहे थे, राइट पे चली थी फ्लेयर भी, तो हमें दोनों काम। नींद आ रही है हल्की हल्की, मैं फिर सर नीचे करने वाला हूँ। नींद आ रही है, गाड़ी आ जाती है, और मैंने इस पर शॉट्स लेने की ट्राई की, गाड़ी हो गई डैमेज और ये बंदे वहाँ पे रुक गए। मैंने फिर रश करने का ट्राई किया, बैल हमारे पास है और इस बंदे को मैंने डाउन किया, एरर भैया को, और दूसरे भैया ये वही है, और ये जंप करने लगे। तो फिर से हमने जरा लेकिन इनको बताया भाई लास्ट में मिलता है, और फिर हम फिर से आ गए ड्रॉप के पीछे। अब ड्रॉप को हम गाइस हमने काफ़ी ढूंढा, क्योंकि हम वहाँ मीटअप पे बात करने की वजह से और ड्रॉप को लूटने की वजह से फ्लेयर ड्रॉप भूल चुके थे कहाँ पे था। काफ़ी ढूंढा, अब ये फ्लेयर ड्रॉप हमें नज़र आया, और ये लोग यहाँ से निकलने की कर रहे थे तैयारी। बट ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ पे हम उतरे। ओम हमारे पास है हमारी पहली मोहब्बत, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया और ये बम पे लगाया। अब इनमें से एक को बॉडी शॉट मारा था, एक को नॉक किया हुआ था, और मैं यहाँ पे मेरा दिल भी कर रहा था कि रश करूँ, मैं दिल भी कर रहा था कि ओम से मारूँ। तो देखो मैं कन्फ्यूज था कि मैं जाऊँ या मैं ना जाऊँ। फिर भाई हमने फैसला किया, चलो भाई साइलेंट भैया ले चलो, हमें रश करके मार देंगे, ओम तो चलाने देनी नहीं है भाई। तो उसके बाद जो है ना गाइज, हमने गाड़ी भगाई अपनी मेहरान गड्डी और सीधी जाकर रुकेंगे घर में, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, पेम्पर कच्चे के लिए होगा, ओ सॉरी नाड़ा कच्चे के लिए होगा। यहाँ पे उतरे और ये बंदा भग गया ऊपर, मैंने यहाँ पे शॉट्स लिए बट ये बच चुका है। और फिर मैं घुसा अंदर और ये बंदा की गन नजर आई मुझे, इसको मैंने डाउन किया। ओहो ये मेरा किल चोरी हुआ गाइज, ये मेरा किल चोरी हुआ। NN लूलू भैया को हमने डाउन किया, और इसको भी मैंने काफ़ी लो किया था बट ये बच गया। और ये काफ़ी अच्छा खेल रहा था, इसने गाइज फ़ौरन से पीछे गया और मेडकिट लगाई, जिसका साउंड आ रहा था कि ये बंदा मेडकिट लगा रहा है, इसने फ़ौरन से अपने को कर लिया हील। वाह भाई अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अकल इस्तेमाल हो रही है, बड़ी बड़ी अकल इस्तेमाल हो रही है, तो कर लो भाई अकल इस्तेमाल। हमें रिवाइव मिला और ये नीचे जम करके पीछे से आगे से मेरी दोबारा से नॉक। भाई मैं ही मिल रहा हूँ तुम्हें, नहीं बताओ भाई मैं ही मिल रहा हूँ, मुझे करते जाओ बार बार नॉक, नहीं मारो भाई मुझे मारो मारो। तो उसके बाद गए हम यहाँ पे करेंगे लूट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बच चुके हैं। अब मैं ट्राई करूँगा गाइस एशिया सर्वर ज़्यादा खेला करूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक तो हैकर इतने ज़्यादा आएंगे, और ऊपर से फिर इतने कम अलाइव रह जाते हैं, इतना बड़ा सर्कल है और 11 अलाइव है। मुझे नींद आ रही है। तो उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे मिल गई थी M416, और साथ में हमारे पास ओम थी, तो जितनी हीलिंग वीलिंग हम लोग उठा सकते थे हमने उठाई। और इसके बाद बाबा जी हम यहाँ से करेंगे निकलने की तैयारी, क्योंकि जोन जाना है, अभी 10 सेकंड में जोन भी शुरू होने वाला है। तो जल्दी जल्दी अपने लूट की, और लूट करने के बाद हमने अपनी मेहरान गड्डी भगाई, मेहरान गड्डी भगा के बाबा जी हम सीधा जा रहे थे ये सामने वाले स्क्वाड हाउस में। और मतलब मैंने यहाँ बोला था कि सर्कल में, सर्कल के मिडिल में भाई अपने अनोनिमस हाउस में चलते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ आए, हमने गाड़ी अपनी मेहरान गड्डी रोकी,
ऊपर बंदी का सर नजर आया, अनोनिमस ने जंप लगाया, M4 खोल के गोलियां दबाया। बट ये वही बंदे हैं भाई जिनसे हम ऑलरेडी 2 से 3 बार मिल चुके हैं भाई। वाह 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 वाह। तो उसके बाद मैंने यहाँ से भाई भाई लोगों से बात की कि सर आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़े से अलाए में उसके बाद हम लोग जो है ना गपशप लगाएंगे। तो भाई लोगों से मैंने यहाँ पे बात की और इतनी देर में ना भाई मुझे बोलते हैं कि आप M4 से मुझे नॉक कर दो, बस मुझे ना किल फील्ड में नाम आएगा ना उसका स्क्रीनशॉट लेना। मैंने कहा ओके भाई। तो मैंने भाई को यहाँ पे नॉक किया हेलमेट तलाश और अभी देख लो कोई कोई इसकी छोटी सी क्लिप उठाएगा कि अनोनिमस अपने फैंस के साथ ऐसा करता है। पहली बात अनोनिमस के फैंस नहीं होते, अनोनिमस की पब्लिक होती है। और दूसरी बात मेरी पब्लिक ने मुझे बोला था भाई नॉक कर दो स्क्रीनशॉट लेना, तो उनके हुक्म सर आंखों पर। फिर ये दो टीममेट अलग, दो बंदे अलग थे, दो बंदे अलग थे। हमने इनसे बात की, फिर मैंने भाई लोगों से रिक्वेस्ट की कि छोटी सी रिक्वेस्ट है सर आप दोनों एक दूसरे को मारना मत पहली बात, और दूसरा थोड़ा सा सेफ रहो, जितने बंदे रहते हैं हम लोग ढूंढ के फाइट लेके उसके बाद जो है मीटअप करेंगे। दो बंदे हमें, 4 बंदे ये लोग हैं, 6, अब 6 और बाकी बचे 7, 13 बंदे। अब यहाँ स्क्वाड हाउस में बंदे रुके हुए थे, गाड़ी खड़ी थी, तो हमने मेहरान गाड़ी अपनी पीछे लगाई जम के नीचे और हमने दुड़की लगा दी M4 लेके साथ में आगे की तरफ। अब एकदम साइड से जा रहे हैं ताकि उनको शक ना हो, लेकिन उन बंदों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि हम आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने दीवार के ऊपर से जंप लगाई, पाँव जमीन पर लगे और मैं यहाँ से खिड़की से अंदर गया। बोल बोल के थक गया मैं, कितना बक बक करता रहता हूँ मैं, बक 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 बक। हंस लो हंस लो। ये बंदे ने ऊपर से जो है ना शॉर्ट्स लिए मुझ पे, अब वो कवर में था भाई, मैं कवर में नहीं था। जैसे ही गोलियां लगी एकदम से मेरी हेल्थ डाउन हुई, जिंदगी खतरे में आ गई। फिर मैंने फैसला किया भाई कोने में जाके जरा फर्स्ट एड लगा लो, पंगे वंगे ऊपर से जाने के नहीं करो वरना आपकी बैंड बच जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एड लगा के अपने आप को हील किया। उसके बाद बाबा जी हमने लगाया बूस्टर यानी पेन किलर, और फिर हमने हमारे माइंड ना ऐसे काम किया कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे नेट करना चाहिए, नेट निकाला और थर्ड लॉ ऑफ एनोनिमस, सुई की आवाज़, सुई लगती है तो आवाज़ आती है, आ करके एनिमिस को फाड़ो नेड से ठा करके। एक एनिमिस को हमने फाड़ा, दूसरा नेड मैंने किया यहाँ पे जहाँ से साउंड आ रहा था, और अब साइलेंट आके रश करो। वो बंदा DBS लेके जंप कर देगा भाई, वो तो साइलेंट ने इसको डाउन कर दिया। करास नाम था इस बंदे का, और इसने जो है ना बड़े खतरनाक वाला जंप किया था DBS से, और ये बॉट था गाइस, ये रियल नहीं है। इसको मैंने अभी शॉर्ट्स लिए बट ये मरा नहीं, और फिर स्प्रे किया इसके ऊपर तो ये 2-4 गोलियों में, 5-6 गोलियों में मर गया। ये बॉट था, ये रियल नहीं था। अब पबजी वाले ना एंड में भी वार्ड भेज रहे होते हैं जैसे आपको पता है। अब 4 बंदे हमारी अनोनिमस की पब्लिक, 2 बंदे हम, बाकी बचे 3 बंदे। अब 3 में से 2 बंदे जो है फाइट लेने पहुंच गए थे अनोनिमस की पब्लिक के पास। ये देखो ये तो कितना लैग हो रहा है, वाह 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 वाह, कितना लैग हो रहा है इस बंदे को। ये फाइट ले रहा था अनोनिमस की पब्लिक, इसको मैंने बॉडी शॉट दिया, किल चला गया साइलेंट के पास इसका। अब जो है 7 बंदे हमें अलाइव, 7 हैं, 6 जो हैं वो हम एक दूसरे को जानते हैं, 4 अनोनिमस की पब्लिक, 2 हमें, 6 आखिरी बंदा बचा। और वो गंदा बंदा कैसे देखना, गौर से देखना, वो सामने दरख्त के पीछे देखो कैसे देख रहा है भाई, भूत। या वो बोले जात पिकअपू पिकअपू आओ, क्या कर रहा हूँ मैं, लॉल। फिर मैंने इनको बोला भाई आप लोग जरा रुको मैं आता हूँ, क्योंकि हमने बताना तो था नहीं बंदा वहां है, हमने जाके डाउन करना था। तो हम एम कर रहे हैं देखो दरख्त की तरफ और आगे की तरफ कर रहे हैं रश। जैसे वो बंदा बाहर निकला, सर जी चलाक बन रहे हैं, हम लेट गए भाई जमीन पे, और वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ, कन्वीज हुआ, क्या बोल रहा था मैं, अपनी अंग्रेजी वैसे ही कमजोर है। और फिर हमने यहाँ पे अपने आपको हील किया, और फिर जो है ना भाई लोगों ने बोला कि भाई हमें आपको नॉक करना है। हमने कहा भाई कर लीजिए, हमें कह रहे थे कि नॉक करना, उसके बाद स्क्रीन शॉट लेना। मैंने कहा भाई कर लो आपसे अच्छा है क्या। तो फिर ये काफी भाइयों ने मुझे नॉक किया था, मेरी हेल्थ भी काफी तेजी से जा रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही का दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई यहाँ पे ज्यादा लंबी वीडियो हो जाए। और इसके बाद जो है ना, अब गए देखो 3 टीम्स हैं, अगर हम होते और सामने एक ही हमारी एनोनिमस की पब्लिक होती ना तो मैं उनको चिकन दे देता। अब यहाँ पे हमें एक टीम अलग है 2 बंदों की, एक टीम अलग है 2 बंदों की। अगर मैं इनमें से एक को चिकन देता ना तो दूसरों को बुरा लग जाता, तो मैंने फैसला किया कि भाई पैन फाइट करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बूस्ट वगैरह मार लिया और अपनी दोनों टीम्स को बोला भाई एनोनिमस की पब्लिक चलो पैन फाइट करते हैं जरा, और जो टीम जीत गई भाई चिकन उसका। अब मजे की बात भाई, मुझे हेलमेट मेरा लेवल 3 का तोड़ चुके हैं मेरी एनोनिमस की पब्लिक हेडशॉट्स मार मार के। तो जरा मैंने उनको कहा भाई मेरी जिंदगी खतरे में आ गई थी, सही में मुझे लग रहा था कि मैं तो मरने वाला हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो मर जाऊंगा, आप में से किसी को चिकन मिल जाएगा। पैन उठा के हमने स्टार्ट की पैन फाइट, टन 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 टन, राउंड 1। और ये अब मैं फिलहाल तो मैं जिंदा बचने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं किसी को मारूं, बस ये था कि मैं बच के रहूं। लेकिन भाई मेरे पर फोकस था सबका, और ये भाई तो पहले ये आए, फिर हमने इनकी दुड़की इनके बम पे गोलियां लगाना स्टार्ट की। आइए हमारा पीला पेन अपने बम पे खाइए, आहा हा। दोनों बंदे इसको, हम दोनों टीममेट चले एक ही को मारते, ओ मुझे लगी मैं भगलिया साइड पे।
ए ठा करके लगा 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 ए ठा करके लगा 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 ए ठा करके लगा 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 ठा करके। स्प्लिट भैया डायरेक्ट डायरेक्ट मर गए और अब ये दो टीममेट्स बचे हैं बस, सैन भी ना हो के मैं अकेला बचा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक को डाउन किया, अब हमजा भाई डाउन है, अकेले ये व्हाइट वाले भैया बचे हमारे। चिट्टे भैया चिट्टे भैया चिट्टा हेलमेट ठा करके लगा लगा सॉरी 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 सर ये लगा सॉरी 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 सर ओ मार दिया भाई। तो गाइस ऐसे चिकन गया हमारी अनोनिमस की पब्लिक के पास, एक टीम के पास। वीडियो थोड़ी सी फनी हो गई थी, थोड़ी सी मेटअप वाली हो गई थी, कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और मेरी कभी बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अगर अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और एक बात आप लोगों को बतानी थी कि मुहर्रम उल हराम चल रहा है, तो मैंने जो है ना मुहर्रम उल हराम का महीना है काफ़ी, जो है ना हमें इस महीने में एहतियात करनी चाहिए। मैं इसीलिए टिकटॉक पे गाने वगैरह और म्यूजिक लगाना छोड़ दिया है, और मैं कहीं पे भी अपनी वीडियोस में म्यूजिक नहीं लगाऊंगा। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो वीडियो बनाते हो तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी म्यूजिक यूज़ कर नहीं करना, मुहर्रम का हमें एहतराम करना चाहिए। और बस ये रिक्वेस्ट है छोटी सी, बाकी गाइस कोई बात बोल लगे तो माफ़ करना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू अनॉनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।